दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश फ्री कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यानी पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए फ्री में ओ लेवल कोर्स और ट्रिपल सी का कोर्स करा रही है फ्री में बिल्कुल। दोस्तों इसी के बाद आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों इसके मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, सारी डिटेल जानकारी दी थी कि आपको कितना पैसा लगेगा या फ्री होगा, मैंने सारी चीज़ें उसमें बताई थी और ये भी बताया था क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों। लेकिन आज की वीडियो में बताएंगे कि इसको आपको ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और अपना फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों इसी के बाद आज की वीडियो में बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नेट गुरु को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको एक लिंक मिलेगी, आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऊपर लिखा होगा आपका पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। और ये भी लिखा होगा ओ लेवल एवं ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, ये आपका ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाता है। तो राइट साइड में देख सकते लिखा होगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, दोस्तों इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ दूसरा इंटरफेस खुलकर आ जाता है। दोस्तों इसमें आपका आवेदक का नाम डालना होगा और अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। डालने के बाद आपको इससे कैप्चा कोड दिख रहा है, ये करने के बाद इसमें लिखने के बाद आपको क्लिक हियर में क्लिक कर देंगे। जब क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन खुलकर आ जाता है, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें दोस्तों मैंने पहले से इसको लॉग इन कर रखा है, तो इसलिए आपको इसमें ऑप्शन आता है, आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों इसमें खुलकर आ जाता है। आने के बाद दोस्तों इसमें लिखा होगा कृपया रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड द्वारा लॉग इन कर नया पासवर्ड जनरेट और रजिस्ट्रेशन नंबर तथा नया पासवर्ड को सुरक्षित रखें। दोस्तों हमको इसको पासवर्ड चेंज करना होगा, इसलिए हमको ये अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर कहीं पर हमको लिख लेना है। लिखने के बाद अब नीचे लिखना होगा क्लिक हियर टू लॉग इन, तो दोस्तों हम इसको क्लिक करके लॉग इन कर देते हैं, तो हमारा दूसरा इंटरफेस खुल गया है। अब दोस्तों इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भरना होगा, तो जल्दी दोस्तों हम इसको पहले भर लेते हैं। दोस्तों मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड भर लिया है। दोस्तों अब इसके बाद हमको कर देना लॉग इन में क्लिक कर देना है। दोस्तों आप इस फॉर्म को अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं या फिर लैपटॉप से भी भर सकते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं दोस्तों कि सर मोबाइल से भर नहीं पाते हैं, लेकिन ये हो जाएगा, आप डेस्कटॉप मोड में लगाइए आपका हो जाएगा। दोस्तों मैंने डालने के बाद आप सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, इसके बाद इसमें लिखा होगा करंट पासवर्ड। दोस्तों आपने आपको जो पुराना पासवर्ड आपको मिला होगा था उसको डालना होगा, इसके बाद न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करके आपको सबमिट कर देना है। दोस्तों पहले इसको हम न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों आप लोग भी डाल लीजिए। दोस्तों मैंने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है, इसमें आपको लिखकर आ रहा होगा नीचे योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड एंड लॉग इन अगेन, ये ऐसा ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जो नया पासवर्ड आपने बनाया है वो सिंपली डालने के बाद आप यहाँ अपना कैप्चा कोड जो होगा वो अपने कोड बॉक्स में फिल करने के बाद आपको सिंपली लॉग इन में क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने इसमें क्लिक कर दिया है तो कुछ सर्च करेगा। दोस्तों लॉगिन होने के बाद आपके सामने जो ऑप्शन आ जाता है, अपना स्टूडेंट जो नेम है वो नेम लिखकर आ जाएगा और इसमें लिखा होगा ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर परीक्षण योजना है, तो परीक्षार्थी का आवेदन पत्र 2020-21 ऊपर लिखकर आ जाता है। दोस्तों इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि दिशा निर्देश आपके क्या है, आपको सिंपली इसमें सारी चीजें पढ़ लेनी है क्योंकि सारी चीजें इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। इसमें दोस्तों ये भी लिखा है कि जो मतलब स्टूडेंट होगा उसकी जो अनुपस्थिति होगी वो 75% बायोमेट्रिक्स होगी। दोस्तों आपको थंब इंप्रेशन दे आपकी प्रेजेंटी वहाँ पर ली जाएगी, आपको ज्यादा से ज्यादा 15 दिनों की छुट्टी मिलेगी इसमें, इसके अलावा नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आपको सारी चीजें इसमें पढ़ लेनी है। दोस्तों आपको इसमें जो चयन होगा वो कक्षा 12 के अपने क्लास 12 के परसेंटेज के हिसाब से आपका चयन होगा। दोस्तों ये चीजें पढ़ने के बाद आपको नीचे लिखा होगा सहमति, एक बॉक्स होगा इसमें आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया है, अब इसमें कुछ प्रोसेसिंग ले रहा है। दोस्तों हमारा जो नेट है बहुत ही गंदा है तो कुछ वेट तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, उसके लिए हम सॉरी भी कहते हैं आप लोगों से। दोस्तों एक बार फिर से हमारा दिशा निर्देश के लिए फिर से ऑप्शन खुलकर आ जाता है, इसको फिर से आपको एक बार टिक करने के बाद फिर से नेक्स्ट करना ही होगा, ठीक दोस्तों। तो इसके बाद मैंने नेक्स्ट कर दिया, इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाता है, तो दोस्तों अभी सर्च कर रहा है। हाँ दोस्तों ये पूरी तरह हमारा खुलकर आ गया है। दोस्तों अब फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा, लिखा है जनपद का नाम, तो अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नेम जो चूज कर लेना, मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ से चूज कर लिया है। इसके बाद दोस्तों फिर से प्रोसेसिंग कर रहा है। इसके बाद दोस्तों थर्ड ऑप्शन आता है कि चयन करें आपको प्रशिक्षण में आप ओ लेवल लेना चाहते हैं या ट्रिपल सी। दोस्तों आप जिसमें भी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको क्लिक कर देना है अपनी तरफ से, आपने जो भी परफॉर्मेंस देनी है, आपको ओ लेवल पसंद है तो ओ लेवल में क्लिक कर दीजिए, अगर आपको ट्रिपल सी का कोर्स करना है तो आप सिंपली ट्रिपल सी के कोर्स में भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लिख कर आ रहा है यहाँ पे चयनित संस्था द्वारा जहाँ आवेदक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण मतलब करना चाहता है, जो भी आपको इंस्टीट्यूट चूज करना हो आपको
तीन ऑप्शन दिए होते हैं कि आपके शहर के हिसाब से आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिस जहां पर रहते हैं वहां के हिसाब से आप आसानी चूज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर तीन ऑप्शन दे रहे हैं कि केवल तीन हमारे, मैंने कानपुर डिस्ट्रिक्ट चूज किया था, इसमें कानपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको तीन हमको मिलते हैं, तो मुझे जो भी अच्छा लगेगा वो इसमें कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैंने सेकेंड चूज कर लिया है, थर्ड चूज कर लिया है। मैं आप तीनों में जो भी परफॉर्मेंस आप देंगे वही आपको माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टेप बाय स्टेप में देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है अपना जेंडर चूज कर लेना, तो होता है 6 नंबर में, तो मैंने अपना जेंडर चूज कर लिया है। इसके बाद आता है आपके आवेदक के पिता का नाम अपना डालना होगा और आवेदक का स्थायी पता यानी अपना पूरा पता डालना होगा, विलेज एंड पोस्ट करके या तहसील हो गई, आपकी लोकेलिटी क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होगी, परमानेंट एड्रेस क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट, ये चीज़ें होगी। और आपके आवेदक का पत्र व्यवहार का पता यानी आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर, ये 9 नंबर आपको डालना होगा आवेदक का पत्र व्यवहार का पता। इसके बाद आपको डालना होगा कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्ट्रिक्ट, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है वो चूज कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका आवेदक की जन्म तिथि, आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अनुसार आपको अपनी यहाँ पर अपनी मार्कशीट का जो डेट है आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करनी होगी। इसके बाद नीचे आएंगे तो लिखा होगा शैक्षिक विवरण, शैक्षिक विवरण में आपको करना क्या होगा, 13 नंबर में आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष जो होगा, आपने किस सन में अपना 10th की क्लास पास की थी वो डालना होगा। इसके बाद 14 नंबर में आता है हाई स्कूल का बोर्ड क्या है, CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, ICSE बोर्ड है या कोई अदर जो भी आपका बोर्ड है तो वो आप सिंपली चूज कर सकते हैं। इसके बाद अपना हाई स्कूल का अनुक्रमांक अपना रोल नंबर डालेंगे यहाँ पर और अपना इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण करने का वर्ष क्या, आपने 12th किस सन में पास किया है वो डालना होगा। इसके बाद इंटरमीडिएट का बोर्ड क्या है वो चूज कर लेना होगा यहाँ से। और फिर 18 नंबर में आता है इंटरमीडिएट अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आता है 19 नंबर में इंटरमीडिएट प्राप्तांक क्या होगा, इंटरमीडिएट का अपना पूर्णांक क्या होगा और परसेंटेज क्या होगा, ये सारी चीज़ आपको सिंपली शैक्षिक विवरण में आपको डालना होगा। इसके बाद दोस्तों आता है आपका आय जाति धर्म विवरण के लिए, तो दोस्तों 22 नंबर में अपनी जाति चूज करनी है, आप हिंदू OBC हैं या अल्पसंख्यक OBC हैं, अगर जो भी हो आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आता है आवेदक उपजाति का, जैसे मैंने डाल लिया है हिंदू की OBC, तो इसमें कुछ सर्च करेगा थोड़ा सा, तो कुछ हमको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर लिखा है आवेदक की उपजाति, इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना होगा। दोस्तों अपनी जाति चूज करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा होगा जाति प्रमाण का आवेदक का क्रमांक क्या होगा। दोस्तों आपने जो जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट बनवाया होगा उसमें आपको दो क्रमांक मिलेंगे, जिनमें आपने फर्स्ट होगा जैसे 21, 64, 40 करके स्टार्टिंग से होगा, तो आपको जाति प्रमाण पत्र ये डालना होगा और जो 344 से स्टार्टिंग होगा यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र संख्या डालनी होगी। इसके बाद दोस्तों आता है आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय। दोस्तों मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आप अगर कोई भी डाउट हो तो हमारी फर्स्ट वीडियो देख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर अपनी आय डालनी होगी, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय जो होगी वो डालना होगा। इसके बाद आय प्रमाण का आवेदन की संख्या है वो यहाँ पर डालनी होगी। और फिर 28 नंबर में आता है आय प्रमाण का पत्र का क्रमांक, तो वो भी आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर आता है आय प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि क्या है, तो वो आपको सिंपली यहाँ फिल करना होगी, यहाँ से डालने की कि आपका किस डेट में आपका आय प्रमाण पत्र बना था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका आता है जाति प्रमाण पत्र अपलोड करें। आपका जो दोस्तों जो जाति प्रमाण पत्र होगा कास्ट सर्टिफिकेट वो 50 KB के नीचे ही होना चाहिए, 50 KB से ऊपर नहीं होने, वो भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। दोस्तों आपको अपने मोबाइल से भी स्कैन करके आप डाल सकते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं इतने समय, तो आप उससे भी स्कैन कर डाल सकते हैं, या अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर से भी स्कैन करके आप लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका आय प्रमाण पत्र होगा वो भी 50 KB में PDF फाइल में होगी, और आपका जो आवेदक की फोटो होगी वो 20 KB JPG में होगी। आवेदक की दोस्तों कलर्स पासपोर्ट साइज क्लियर फोटो होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आता है इंटरमीडिएट के मार्कशीट भी अपलोड मांगी गई है। दोस्तों इसमें इंटरमीडिएट की जो आपकी सर्टिफिकेट होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो आपको 50 KB की PDF फाइल में आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे लिखा होगा सेव मैं करना चाहते हैं या फाइनल लॉग। अगर दोस्तों आपने सारी जानकारी अच्छी सही से भर ली है, भरने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको सीधा फाइनल लॉग में कर देना होगा। अब दोस्तों कुछ नीचे आपको लिखा होगा कि आवेदन को ऑनलाइन फाइल सबमिट करते हुए प्रिंट आउट प्राप्त कर शैक्षिक आय तथा जाति संबंधित समस्त अभिलेख स्वप्रमाण पत्र संलग्न करते हुए जिला पिछला वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक तक प्राप्त कराने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण माना जाएगा। दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि आपको ये फॉर्म भरने के बाद आप इसका जो प्रिंट आउट निकलेगा उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट लगा, जैसे आय जाति निवास हो गया, निवास हो तो कोई बात नहीं, बाकी आधार कार्ड हो गया, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, सारी चीज़ें आपको पंचिंग करने के बाद दोस्तों इसका जो कार्यालय है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का जो कार्यालय है वहाँ पर आपको निश्चित तिथि पर आपको जमा करना होगा, यानी आपको फॉर्म भरने के 1-2 दिन के अंदर ही इसको जमा करना होगा। जब जमा कर देंगे तभी आपका ये जो फॉर्म होगा पूरी तरह सबमिट होना माना जाएगा। दोस्तों अगर अभी फर्जी तरह से कुछ करते हैं, जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो अगर हमने जबरदस्ती उसको OBC करके भर दिया है दोस्तों, वो
रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी जानकारी सारी चीजें वेरिफिकेशन वो निकाल लेते हैं, आप उनसे बच नहीं सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो सारी चीजें आपको क्लियर मैंने कर दी है दोस्तों। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप आसानी से इसका प्रिंटआउट निकालने के बाद, आप आसानी से प्रिंटआउट करने के बाद, सारी चीजें पंचिंग करने के बाद, आपका जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो कार्यालय है वहां पर आप निर्धारित समय जमा कर देंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और दोस्तों इसके 10-15 दिन के अंदर इसकी मेरिट लिस्ट आ जाती है कि किस छात्र का आवेदन हुआ, आपके मोबाइल नंबर में मैसेज आ जाएगा। अगर अपने ईमेल आईडी भी डाली अपने आवेदक की तो ईमेल आईडी में भी आपको इसमें बता दिया जाता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर दोस्तों कोई भी चीज़ पूछना हो तो हमें कमेंट कर बताइए कि हमें ये पूछना है, हमें ये डाउट लगता है, तो सारी चीज़ें हम कमेंट बॉक्स में भी क्लियर कर देंगे। दोस्तों आप लोग बहुत भद्दे कमेंट करते हैं तो उसके लिए हम आपसे सॉरी कहते हैं कि आप लोग कुछ भद्दे कमेंट ना किया कीजिए, फिर बुरा लगता है। दोस्तों कुछ भी पूछना हो साधारण तरीके से आप सिंपल तरीके से हमसे पूछ सकते हैं, बट गाली मत दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो भाई इतना ही आपसे कहना था हमको। दोस्तों कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट में बताइए कि हमें डाउट लगता है। और दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि हमने ये फॉर्म क्यों भरकर सबमिट नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों हमें जनरल कैटेगरी से, इसीलिए हमने ये फॉर्म नहीं भरा है। अगर हम ओबीसी कैटेगरी से होते तो इस फॉर्म को फिल करके आपको प्रिंट आउट निकाल कर सारी चीज़ें हम दिखा देते। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।